नमस्कार आदर इंडिया टाइम न्यूज, इंडिया टाइम न्यूज आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया, मतदान करना अनिवार्य है। गुलाब चंद तहसीलदार बलिया। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में शहर में मीना बाजार के स्कूल में मतदान जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि गुलाब चंद तहसीलदार बलिया ने बताया कि मतदान करना अनिवार्य है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मतदान के महत्व को भूल गए हैं। एक वोट से सरकार बनती है और बिगड़ती है। मेरा नाम अरविंद कुमार गुप्ता, मीना बाजार व्यापार समिति अध्यक्ष। कैसा कार्यक्रम था? ये मतदाता जागरूकता कार्यक्रम था और इसमें युवा वर्ग को हम लोगों ने या हर वर्ग को हम लोगों ने मतदान के लिए जागरूक करने का ये कार्यक्रम रखा था। कौन कौन लोग आए प्रशासन से? यहाँ पर रंगकर्मी और यहाँ पर जो भी लेखक और यहाँ पर विशिष्ट अधिकारी और यहाँ पर जिला स्तर के अधिकारियों को निमंत्रण दिया गया था और यहाँ पर व्यापार समिति के भी लोग उपस्थित हुए थे। उन लोगों को क्या संदेश दें क्या कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता को? हम आम जनता को अपने व्यापार समिति के लोगों को सदस्यों को ये संदेश देना चाहते हैं, वो अपने घरों से निकलें और 19 मई को मतदान करें और अपने लोकतंत्र के लिए ये मतदान बहुत ही आवश्यक है। बाजार में मीना बाजार समिति द्वारा आयोजित इस मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे वरिष्ठ साहित्यकार महोदय। हमारे बगल में अभी पूर्व वक्ता राय साहब बैठे हुए हैं, साथ ही साथ कलेक्ट्रेट कर्मचारी महासंघ के उपाध्याय जी और मीना बाजार के अध्यक्ष अरविंद जी। बताना चाहूँगा कि ये मतदान हम लोग करने जाते हैं, ये हमारा अधिकार है और हम अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये दुर्भाग्य हम लोग के लिए। मजबूत सरकार हम नहीं बनाएंगे तो फिर देश जो है कोई ठिकाना रहेगा कहाँ जाएगा। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि मजबूत सरकार बने और अपने अधिकार का पहली बात की प्रयोग करें। सीधे सीधी बात है, वोट देने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। सड़क पर हम लोग भाषण देते हैं ऐसा है वैसा है, लेकिन बूथ पर वोट देने के लिए हम लोग घर में बैठ कर टीवी देखते हैं नहीं जाते हैं। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग वोट दीजिए, जिसको देना हो दीजिए, इससे कोई बहुत मतलब हम लोगों को नहीं है, लेकिन अपने मत का प्रयोग करिए। आप असली बात यही है, 80 बरस 90 बरस के बुजुर्ग लोग जाते हैं, हम नौजवान लोग घर पर टीवी देखते हैं नहीं जाते, चिपके रहते हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग निकलिए, अपने साथ 5-5, 10-10 लोगों को टोली बनाकर ले जाइए, वोट प्रतिशत बढ़े ताकि पूर्वांचल में हम लोगों का मत प्रतिशत घटे ना। पश्चिम में और बहुत ज़्यादा हुआ और हम लोगों को गर्मी की वजह से कम होगा। ये कार्यक्रम यहाँ पर बलिया में जन चौपाल का जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपन लगाया गया है, ये अभी पहला इनका प्रयास है, सार्थक प्रयास है। यद्यपि हम लोगों ने क्षेत्र में भ्रमण करके विभिन्न स्कूलों के माध्यम से, विभिन्न विद्यालयों के माध्यम से बच्चों की रैली निकाल करके
मतदाता जागरूकता के लिए उत्साहन किया जा रहा है और माननीय भारत निर्वाचन आयोग का एक कार्यक्रम होता है स्वीप कार्यक्रम, जिसमें सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड वोटर पार्टिसिपेशन, इसके लेकर के हम लोग विभिन्न विद्यालयों में भी बच्चों की रैलियाँ निकाली जा रही है। लेकिन आम पब्लिक की सहभागिता, जब आम पब्लिक साथ में रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित हो सकेगी, इसीलिए ये प्रयास जो मेरा समिति द्वारा किया गया है, इसमें हम लोग चाहते हैं कि तमाम जो हमारी सदाधिकारी लोग हैं, ये लोग भी आम पब्लिक के बीच में ये बताएं कि 19 मई की जो मतदान होना है उसके क्या महत्वपूर्ण है और आपको वोट देना है। वोट देना हमारा अधिकार है, जैसा कि अभी तक लोकतंत्र में हुआ है, जनता का है, जनता के लिए जनता द्वारा चुना जाना है, और जब जनता की सहभागिता रहेगी तभी ये लोकतंत्र मजबूत होगा, इसी का ये कार्यक्रम का उद्देश्य है। और हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के 19 मई के लिए मतदान देंगे, इस बात की यहाँ पर हम लोग शपथ ले रहे हैं।